हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रत्नाकर, स्वागत है फिर से एक्साइटेड वीडियो में। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ छोटी सी अनबॉक्सिंग छोटी सी स्मार्टफोन की। या अभी इंस्टाग्राम मैंने कोल डाला था जिसमें से आप में काफ़ी सारे लोग क्यूरियस थे कि भाई हमको इस फोन का अनबॉक्सिंग देखनी, इसके अंदर क्या क्या बॉक्स कंटेंट है। तो ये स्मार्टफोन मिलता है आपको अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ का। मैं आपको बेस्ट वैल्यू डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। स्मार्टफोन काफ़ी सही लगा मेरे को, यार यू हियर इट राइट, 1000 रुपीज़ का है, काफ़ी लाइट वेट है। अब मैं आपको कुछ इसके मेन फीचर्स बता देता हूँ। मेन फीचर्स नंबर वन, लाइट वेट है, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप कॉलिंग करते हो काफ़ी सही है। देन अगर आप अपने फोन को तोड़ फोड़ देते हो तो काफ़ी सही है, काफ़ी ड्यूरेबल स्मार्टफोन आई मीन ये। थर्ड थिंग ये है, इसके अंदर आपको 3.5 mm जैक मिलता है एप्पल, या 3.5 mm जैक मिलता है, और अगर खो जाए चोर हो जाए तो कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। एंड इसकी वारंटी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ है तो मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस, ये स्मार्टफोन जो है मैंने बाय किया अपने सेकेंडरी स्मार्टफोन के तौर पर, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी वाला फ़ोन है वो मैंने सेल कर दिया है। वीके 20 प्रो का वेट कर रहा हूँ, एमआई का फेस सेल का सिस्टम आपको बताइए कि जल्दी मतलब मेरे को मिलने वाला है, आई नो। तो गाइस, इसलिए मैंने बाय किया है क्योंकि एक सेकेंडरी सिम में चाहिए कि फोन वगैरह आप कुछ डालते हो, अपने फोन में कस्टमाइजेशन कर देते हो, तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन में दिक्कत आ जाती है। तो एक फ़ोन ऐसा होना चाहिए भाई जो बैकअप के लिए हो, तो बैकअप के तौर पर मैंने इसको लिया है। एंड अगर आपको चाहिए तो आप एक स्मार्टफोन लीजिएगा, अगर आप सेकेंडरी फोन ले रहे हो तो एक फीचर्ड फोन लीजिए। बैटरी लाइफ काफ़ी अमेजिंग मिलने वाली है आपको स्मार्टफोन के अंदर। एंड ऑल्सो इस स्मार्टफोन में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आपको फीचर्स मिलते हैं। एक तो ये भाई कितना भी अच्छे आदमी खेल लो, और खेलने से ज़्यादा स्मार्टफोन के अंदर आपको एक लेजेंडरी गेम मिलता है। आप गैस कभी कमेंट ग्राउंड करो कि भाई कौन सा गेम होगा, वो चलो वो गेम मिलता है आपको स्नैक वाला। अगर आपने 90s में खेला है तो 90s के अगर आप खेलो तो आपने खेला ही होगा, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा खेला। तो मैंने अभी स्मार्टफोन को लेने के बाद भी वो गेम दोबारा से खेला है, और काफ़ी सही स्कोर था मेरा, आई थिंक 50 or 60 का। आप इसको बीट कर सकते हो तो कमेंट डाउन करें इस बारे में भी। तो काफ़ी सही स्मार्टफोन है भाई, और अगर आपको अपनी फैमिली में किसी मेम्बर को देना जो स्मार्टफोन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बट फीचर्ड फोन चाहिए, बैटरी लाइफ ठीक ठाक चाहिए एंड नोकिया का नाम है, तो बात करते हैं। मैं कह रहा था इसकी वारंटी काफ़ी सही मिलती है, तो वारंटी में स्कीम ये गाइस, अगर आपके स्मार्टफोन में कोई भी इशू मिल जाता है किसी प्रकार का, अगर स्पीकर डैमेज हो जाता है, डिस्प्ले खराब हो जाती है, बटन का वर्क नहीं करते हैं, तो आप सिंपली अपने नोकिया के नियर बाई सर्विस सेंटर पर जाइए, अपने स्मार्टफोन को दीजिए, नया वाले स्मार्टफोन लीजिए। काफ़ी सही बात लगी ना भाई ये, तो नोकिया सबसे सही सर्विस है मेरे को लगी। एप्पल भी ऐसा नहीं कर रहा है, एप्पल भी मेरे यहाँ पे जो नियर बाई सर्विस सेंटर है उसमें ये हो रहा है कि भाई स्मार्टफोन दीजिए, वो सेकेंडरी स्मार्टफोन आपको देंगे दूसरा वाला। अगर मेरे दोस्त ने जैसे कि अभी 7 Plus दिया था तो उसको वहाँ से उन्होंने 6 दिया यूज़ करने के लिए, 1 week के लिए, 1 week का टाइम लेंगे, उसके बाद वो रिपेयर करके देंगे। तो इसमें आपको हैंड टू हैंड आपको दूसरा वाला स्मार्टफोन देंगे, तो काफ़ी सही चीज़ लगी। इस चीज़ के लिए लाइक बनता है नोकिया के लिए, काफ़ी सही स्मार्टफोन है भाई ये, और यही काफ़ी सही। अगर आपको फीचर्ड फोन चाहिए और इसके कैमरे की बात करें तो इसमें अंदर आपको कैमरा नहीं मिलता है, माइक्रो एसडी कार्ड आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, बट इसके अंदर आपको मिलता है FM रेडियो। बट FM रेडियो के लिए आपको 3.5 mm जैक भी मिलता है। और इसमें एक और चीज़ आपको बता दूँ कि फ़ोन के अंदर जो है ना आपको हेडफोन्स इसके अंदर नहीं मिलेंगे, ईयरफोन्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, आपको थर्ड कहीं कहीं से बाय करना पड़ेगा आपको, एंड देन आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने तो सिर्फ इसमें कॉलिंग और गेम खेला है। अगर आप पबजी से एडिक्ट हो तो आपके स्मार्टफोन ले लेना चाहिए, अगर आप इंस्टाग्राम से एडिक्ट हो फिर भी ले लेना चाहिए, अगर आपको स्मार्टफोन छोड़ना है तो ये ले लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी सही स्मार्टफोन है गाइस। और तो एक छोटी सी वीडियो थी भाई, ज़्यादा बड़ी करूँगा नहीं, तो बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं तो भाई कमेंट डाउन करो, रिप्लाई दूंगा भाई। अगर कोई और किसी और चीज़ के रिलेटेड आपको टेक रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे बंदा की हेल्प लिए हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ करना है कर दीजिए। और एक अच्छी बात बताता हूँ कि इसके अंदर आप यूट्यूब नहीं देख सकते हो, कि अगर आप यूट्यूब पर काफ़ी देखते हो तो भाई वो एडिक्शन भी अगर आपको है तो उसको भी छुड़ा देगा। तो यही बात थी भाई, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपका रेड कलर का हो अगर तो उसको ग्रे कर दीजिए, अगर ग्रे कलर का पहले से ही तो घंटी देख लीजिए बजी हुई है नहीं बजी हुई, तो घंटी भी प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो ऐसे ऑलवेज ऑलवेज बी हैप्पी एंड पीस।